ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम जो सेकंड चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा कि इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स। काउंटर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, और डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और आईटी में इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि जिस तरह फ्लिप फ्लॉप इम्पॉर्टेंट हैं, इस तरह काउंटर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो सिक्वेंशियल सर्किट की हम बात करते हैं, तो उसमें फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स और रजिस्टर्स को बहुत अहमियत दी जाती है। और ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमने बात की थी कि कंप्यूटर एक ब्लाइंड डिवाइस है, कंप्यूटर को पता नहीं होता है कि कितने सेकंड बाद, मिनट बाद, कितने टाइम बाद ऑपरेशन ने जो आप कंप्लीट हो जाना है और कितना टाइम रह गया। जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, देखिए हर ऑपरेशन में टाइम जरूर होता है कि इतने सेकंड रह गए, इतने रह गए, और कौन सी ऐसी चीज है जो वो सेकंड्स को काउंट करती है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो कंप्यूटर को बताती है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करें। वो काउंटर्स है। काउंटिंग करना कंप्यूटर्स के अंदर, काउंटिंग सोर्स, टाइमिंग सोर्स प्रोवाइड करना, और जो है हम बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करना, जिसमें रीड राइट और बाइट एनेबल, इंटरप्ट, इंटरप्ट ए है वगैरह, जितने भी हमारे कंट्रोल सिग्नल है मोस्टली आपके काउंटर्स जो है वो जनरेट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं। डेफिनेटली जब मैं बात करता हूँ कि काउंटर सिक्वेंशियल हैं, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसी बात का जवाब देखिए, जब आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, बड़ी कॉमन बात है। 5 पे जाने के लिए आपको 4 का पता होना चाहिए, 6 पे जाने के लिए आपको 5 का पता होना चाहिए, 7 पे जाने के लिए 6 का पता होना चाहिए। दैट्स वाई प्रीवियस का पता होना चाहिए, और पता तभी होगा जब आप इसे सेव रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि काउंटर किस किस्म के सर्किट होंगे, सिक्वेंशियल सर्किट होंगे। काउंटर सिक्वेंशियल सर्किट हैं, और इनका काम क्या है, इन्होंने क्लॉक पल्स यानी टाइमिंग सोर्स प्रोवाइड करना है। अब जब आप टाइमिंग सोर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली आप देखिए उसमें हाई लो, हाई लो, हाई लो होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऑपरेशन हाई ऑपरेशन के ऊपर काम करता है, तो क्लॉक पल्स उस क्लॉक के अंदर, इस सिग्नल के अंदर जितने भी हाई होंगे उनको हम मार्क कर लेते हैं टिक के तौर पर, 1 2 3 4 5। और एक ऑपरेशन अगर लो के ऊपर काम करता है तो हम लो एजेस को हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो उस काउंटिंग के लिए, उसको क्लॉक्स पल्स जनरेट करने के लिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट इस्तेमाल होता है वो काउंटर्स हैं। काउंटर्स को फ्लिप फ्लॉप की मदद से डिजाइन किया जाता है। मैंने जब फ्लिप फ्लॉप आपको बताए थे, समझाए थे, उस वक्त भी मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन कराई थी, हमने करी थी कि जो फ्लिप फ्लॉप है इनका इस्तेमाल यहाँ पे ही नहीं खत्म हो जाता, ये काउंटर्स में भी इस्तेमाल होंगे, और ये हमारे आगे मेमोरी डिजाइन यानी रजिस्टर के अंदर भी इस्तेमाल। तो काउंटर जो है टाइमिंग सोर्स प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अब कंट्रोल सिग्नल से क्या मुराद है, कंट्रोल सिग्नल नॉर्मल कंट्रोल बसेस जनरेट करती हैं। आपको पता है कि जब भी आपने डेटा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहला होता है दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होता है, उनमें मैसेजिंग की एक्सचेंजमेंट होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट दी जाती है, रिक्वेस्ट ग्रांट होती है, ग्रांट होने के बाद आपको डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो दो डिवाइसेस में जो इनिशियल कनेक्शन या एस्टेब्लिशमेंट होती है वो आपके कंट्रोल सिग्नल के जरिए होती है, डेटा ट्रांसफर डेटा बस के जरिए होता है, और डेटा किस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा ये एड्रेस बस बता रही होती है। तो ये कुछ जो चीज है वो हमारे पास क्या है, ये बसेस से रिलेटेड आती है, जो हम सिस्टम के इंटरनल बसेस की बात करते हैं। अब काउंटर जो होते हैं वो किस किस्म की काउंटिंग करते हैं, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड नॉन लीनियर। असेंडिंग से क्या मुराद है, आप ए टू जी जा रहे हैं, डिसेंडिंग से क्या मुराद है, आप जी से ए साइड पर आ रहे हैं, नॉन लीनियर से क्या मुराद है कि रेंडम, मसलन जैसे काउंटिंग की हम बात करते हैं 1 5 7 एंड सो ऑन। अब इस बात का निसार कि कितने फ्लिप फ्लॉप हमारे इस्तेमाल होंगे उस सीक्वेंस को काउंट करने के लिए, उस बात का निसार इस फॉर्मूला पर है कि एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग टू रेज पर एन नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक फोर्थ सीक्वेंस नंबर होगा तो उसके लिए दो फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, अगर हमारे पास एक एट सीक्वेंस नंबर होगा तो उसको काउंट करने के लिए हमें तीन फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, और अगर हमारे पास एक 16 बिट का सीक्वेंस नंबर होगा
उसके लिए हमें कितने काउंटर्स दरकार होंगे? चार। ठीक है, फिर हमने ये भी बात डिस्कस कर ली कि काउंटर्स जो है ये अप काउंटिंग भी करते हैं, डाउन काउंटिंग भी करते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर हम अप काउंटर भी देखेंगे, डाउन काउंटर भी देखेंगे और अप डाउन काउंटर भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे काउंटर को डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से कैसे डिजाइन किया जा सकता है, टी से कैसे किया जा सकता है, और एट द एंड ऑफ आवर दिस टॉपिक हम ये डिडक्ट करेंगे कि टी से आसान है या डी से आसान है। ठीक है, अब जब हम टू बिट काउंटर की बात करते हैं तो याद रखिएगा टू बिट का मतलब क्या है कि हम जीरो से लेकर थ्री तक, यानी एक फोर सीक्वेंस का काउंटर जनरेट करेंगे। जब हम थ्री बिट की बात करेंगे तो थ्री बिट से क्या मुराद है? थ्री बिट से मुराद ये है कि हम जीरो से लेकर सेवन तक। अब जीरो मैंने क्यों किया? जब भी आप काउंटिंग करते हैं, जब भी आप स्टॉप वॉच चलाएं, आप हर नेक्स्ट काउंटिंग के लिए आप अपनी क्लॉक स्टॉप वॉच को रिसेट करते हैं जीरो के ऊपर, तो काउंटिंग हमेशा जीरो से शुरू होगी एंड नेक्स्ट काउंटिंग फिर दोबारा जीरो से शुरू ही होगी। फोर बिट सीक्वेंस काउंट नंबर के लिए, तो फोर बिट के लिए आप अगर हम बात करते हैं तो फोर बिट के लिए डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम 16 सीक्वेंस नंबर तक को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने बात की डिस्कस की, अभी मैं फिर वन सेकेंड बताता हूँ कि चार सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जीरो से थ्री, और चार सीक्वेंस नंबर को काउंट करने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे? दो फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, और आठ सीक्वेंस नंबर को काउंट करने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? हमें जो है वो हमें तीन फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। और नेक्स्ट चीज क्या है कि जब हमारे पास 16 सीक्वेंस नंबर होगा तो हमें चार फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल हम करते हैं और सीक्वेंस नंबर को काउंट करने के लिए। अब काउंटर जो है, काउंटर को कौन से फ्लिप फ्लॉप से पर्टिकुलरली डिजाइन किया जाता है? दो तरह के हमारे पास यहाँ पर काउंटर्स में जो डिजाइन करने में फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन भी किया था इस बात को कि हमारे पास डी और टी, और जब हम लोग डी और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप डिस्कस कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनका इस्तेमाल बहुत वाइडली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेशली काउंटर डिजाइनिंग पर्पस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि डी और टी के जरिए हम लोग क्या है, काउंटर्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि अब कौन सा काउंटर डिजाइन किससे करना है, डी और टी पे करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डी से भी कर सकते हैं, टी से भी कर सकते हैं, दोनों से। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लास्ट पे देखेंगे कि इन दोनों में से हमने किसको इस्तेमाल करना है। अब काउंटर्स को दो मजीद सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक सिंक्रोनस काउंटर नजर आते हैं और एसिंक्रोनस आते हैं। इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए आप लोगों को, और मैं एक अक्सर फनी मिसाल के जरिए बच्चों को एक्सप्लेन भी करता होता हूँ कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से क्या मुराद है। जब आप उस एग्जांपल को सुनेंगे तो आप कभी भी लाइफ के अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टर्म से परेशान नहीं होंगे, आपको डेफिनेटली याद होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सिंक्रोनस काउंटर के ऊपर और एसिंक्रोनस काउंटर के ऊपर। सबसे पहले बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का जहां पर भी आपको नजर आएगा, आपने ये बात समझ जाना है कि वो ऑपरेशन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ काउंटर इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स हैव सेम सिस्टमैटिक शेयर्ड क्लॉक पल्स। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं अभी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि हम क्या कहते हैं कि अगर तमाम काउंटर को एक ही टाइमिंग सोर्स दिया जाए और वो कॉमन हो, सिस्टमैटिक हो, और आपके तमाम के तमाम काउंटर जो है वो सिस्टम क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट हो, एक ही टाइमिंग सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर है। मसलन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको मिसाल दी थी, थोड़ा सा फनी भी है, कि अगर तमाम के तमाम हम लोग जो है, मैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट एंड टीचर, हमें पता है कि हमारी 9 बजे क्लास शुरू होनी है, हम सारे के सारे 9 बजे इंटर हो जाते हैं, क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है और 10:30 बजे हमारी क्लास वाइंड अप हो जाती है, तो हमें पता है कि आप मैं हम एक क्लॉक पल्स यानी एक सिस्टम टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। All the flip-flops are dependent on one clock time. हम बात पहले भी कर रहे हैं कि तमाम के तमाम एक क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि जी क्लास का टाइम 9 बजे है, 9:15 बजे, 9:30 बजे है, 10 बजे, ऐसा नहीं है। एक ही टाइम होगा, 9 बजे, 9 बजे मैंने क्लास स्टार्ट कर देनी है, 9 बजे आप क्लास में आ जाते हैं और अपना लेक्चर सुनने लग पड़ते हैं। आपके लिए, मेरे लिए एक ही टाइम है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी 9 बजे पहला पीरियड स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है कि सिंक्रोनस काउंटर को नॉर्मली प्रेफर्ड किया जाता है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से। डी टाइप से डिजाइन करना सिंक्रोनस काउंटर को कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, अब इनका डिसएडवांटेज क्या है? ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं।
ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनस की निस्बतन ये ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, इनके टाइम डिलेज जो है वो एसिंक्रोनस के निस्बतन कम होते हैं। टाइम डिले से क्या मुराद है, हम टाइम डिले को क्या कहते हैं? मतलब मैं आपको कहता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइम डिले से क्या मुराद है। मतलब आप कंप्यूटर से क्लिक करते हैं, क्लिक करके कोई चीज प्ले करना चाहते हैं तो देखिए डेफिनेटली कुछ टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद वो चीज प्ले होती है, चाहे वो आपकी ऑडियो वीडियो है पिक्चर है व्हाट एवर यू वॉन्ट टू से। तो वो जो इनपुट आपने दी, इनपुट देने के नतीजे में आउटपुट कितने टाइम से आई, क्या वो जल्दी आई या वो फिर लेट आई, दैट इज कॉल्ड डिले। नॉर्मली इनके प्रोसेसिंग डिलेज जो है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस। अगर ये बात ट्रू है तो जिस ऑपरेशन का डिले टाइम कम होता है हम जानते हैं कि वो ज्यादा फास्ट होते हैं। अब इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा, फिर आपको बताऊंगा भी इक्वेशन के जरिए से क्यों इनके टाइम डिलेज जो हैं वो कम होते हैं और क्यों ये फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर। अब यहां पर आप देखिएगा, मैंने एक दो और तीन, तीन मैंने फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं, और यहां पे मैंने वंस अगेन ये बात आपको लेबरेट करने की कोशिश की है कि तीनों फ्लिप फ्लॉप को एक कॉमन क्लॉक पल्स दी जा रही है। यू कैन सी ओवर हेयर ऑल द फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस फ्लिप फ्लॉप 1, 2 एंड 3, ऑल द थ्री फ्लिप फ्लॉप हैव सेम क्लॉक टाइम, एक ही है। ये नहीं कि इस फ्लिप फ्लॉप के लिए और है ये और है, मसलन तीन स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है, तीन स्टूडेंट के लिए डिफरेंट टाइमिंग है क्लास की, चाहे वो ए है बी है सी है, तीनों के लिए 9 बजे क्लास का टाइम है। ऐसा नहीं है कि ए जो है वो 9 बजे आ रहा है, बी जो है वो 7:15 आ रहा है, सी जो है वो 9:30 आ रहा है। नॉर्मली होता है क्या, बच्चों का एक ट्रेंड बन चुका है और ड्यूरिंग दी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि टीचर के साथ हम डंडी मारें, ठीक है, और बाद में जब पूछा जाता है कि यार आप लेट क्यों आए, तो वो बच्चा कहता है कि सर हम मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था। तो वहां से क्वेश्चन ये राइज होता है, समटाइम करते भी हूं मैं और करना भी चाहिए, कि नेट प्रॉब्लम आपका क्लास के लिए करता है, बाकी सोशल मीडिया आपके लिए नहीं करता। तो आई थिंक एडवाइस करने का फायदा नहीं है, आप लोग सब मेच्योर हैं, आई थिंक आप लोग क्लास में टाइम पे आना चाहिए और एक सिस्टमेटिक टाइम को फॉलो करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम डिले कैसे हम कंप्यूट करते हैं। यहां पर आप देखिएगा, मैंने इक्वेशन लिखी है, टाइम डिले इज इक्वल टू व्हाट प्रोसेसिंग टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम पढ़ सिक्वेंशियल रहे हैं, तो यहां पर प्रोसेसिंग टाइम कॉम्बिनेशन सर्किट का कैसे आ गया? तो इस बात का जवाब ये है कि सिक्वेंशियल सर्किट पहले होता कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन में मेमोरी को ला दिया जाए तो मेमोरी लाने से वो क्या बन जाता है, सिक्वेंशियल बन जाता है। तो हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सिक्वेंशियल सर्किट को जो आउटपुट मिलती है वो आउटपुट कहां से होती है, वो कॉम्बिनेशन सर्किट की होती है। तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया कॉम्बिनेशन सर्किट का जो प्रोसेस टाइम, यानी अगर मैं सपोज कर लो इससे ऊपर कॉम्बिनेशन सर्किट थे, उन कॉम्बिनेशन सर्किट ने प्रोसेसिंग की, यानी मैं कौन मुख्तसर अल्फाज में कहता हूं, आपने दो अदाद को जमा किया, एडर है, एडर दो अदाद को जमा करता है लेकिन एडर जमा करने के बाद स्टोर नहीं करता, एडर ने प्रोसेस किया वो कॉम्बिनेशन सर्किट है। एडर के रिजल्ट को स्टोर करना है सिक्वेंशियल सर्किट में, उसकी मेमोरी को स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले कॉम्बिनेशन सर्किट की प्रोसेसिंग चाहिए और फिर हमें सिक्वेंशियल सर्किट में स्टोर करवाना है, डेफिनेटली फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करवाना है। तो हमें इसका मतलब क्या है कि पहले क्या प्रोसेसिंग कहां से होगी, कॉम्बिनेशन सर्किट से होगी, और जिसकी आउटपुट जो होगी वो फिर हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कॉम्बिनेशन का प्लस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब इस फ्लिप फ्लॉप का प्रोसेसिंग टाइम अपना होगा इस आउटपुट को लाने के लिए, इसका एंड इसका। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है कि अगर ये तीन फ्लिप फ्लॉप है, तीन फ्लिप फ्लॉप है, तीनों फ्लिप फ्लॉप का प्रोसेसिंग टाइम डिले डिफरेंट हो फिर क्या करना है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को नहीं समझ आती, अक्सर नहीं पता लगता कि अगर तीन है, चार है, पांच है फ्लिप फ्लॉप और हर फ्लिप फ्लॉप का प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है, तो याद रखें वो फ्लिप फ्लॉप जिसका सबसे वर्स्ट प्रोसेसिंग टाइम है, लाइक अगर मैं बात करता हूं इसका 2 सेकेंड है, इसका 4 सेकेंड है और इसका 6 सेकेंड है, तो जिसका सबसे वर्स्ट प्रोसेसिंग टाइम है वो हम कलेक्ट करेंगे, यानी 6 सेकेंड वो हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इफ यू हैव मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप डेफिनेटली
दैट फ्लिप फ्लॉप कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग टाइम डिलेस, ठीक है, एंड नाउ विच फ्लिप फ्लॉप विल बी काउंटेड फॉर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, दैट फ्लिप फ्लॉप विच हैज द मोस्ट वर्स्ट प्रोसेसिंग टाइम, लाइक इफ वी हैव फर्स्ट 2 सेकेंड 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, हम किसको पिक करेंगे, 6 सेकेंड वाले को, तो इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, तो यहां से हमारे पास टाइम डिले आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर वर्क, अब हम एसिंक्रोनस के ऊपर जाते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर में हम जब बात करते हैं तो एसिंक्रोनस काउंटर जो है इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं तमाम फ्लिप फ्लॉप की एक कॉमन सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स या टाइम नहीं होता। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पीछे से जनरेट होने वाले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स को यूज करता है। वंस अगेन मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स नहीं होती बल्कि नेक्स्ट वाला प्रीवियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। याद होगा आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अगर दो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले माइंड बना लिया है कि जी हमने क्लास से बाहर जाना, पहले एक बाहर गया, बाहर जाके उसने कोई सिग्नल किया, इशारा किया, दूसरे ने देखा, उसने भी बहाना किया, वो भी चला गया। मसलन अगर पहला बाहर ना जाएगा तो दूसरा भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, अगर बाहर जाके पहले वाले ने इशारा नहीं किया तो अंदर वाला बाहर नहीं आएगा, यानी कि हम एंटिटी डिपेंडेंट है ना कि एक सिस्टमैटिक क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट। नॉर्मली एसिंक्रोनस काउंटर जो है वो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन किए जाते हैं। इनको डिजाइन करना भी थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स नहीं होती, इसके अंदर हर फ्लिप फ्लॉप अपनी क्लॉक को जनरेट करता है, करने के बाद अगले को देता है, अगला फिर प्रोसेस करता है, अगला फिर उसको देता है, यानी वी आर एंटिटी डिपेंडेंट नॉट टाइम डिपेंडेंट। इनके प्रोसेसिंग टाइम स्लो होते हैं, दैट्स व्हाई इनके डिले होते हैं और इनकी स्पीड भी कम होती है। स्पीड क्यों कम होती है हम देखेंगे, इक्वेशन को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब वन सेकेंड मैंने वही डायग्राम बनाई लेकिन फर्क देखिए क्या है। अब इसमें क्या है, पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसकी अपनी क्लॉक पल्स है, जब ये वर्क करेगा, ये वर्क करके क्लॉक को जनरेट करेगा, ये अगले को देगा, जब ये वर्क करेगा ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या है, अगले को देगा एंड सो ऑन। अगर ये क्लॉक पल्स जनरेट नहीं करता तो ये वर्क नहीं करेगा, अगर ये क्लॉक पल्स जनरेट नहीं करता तो ये भी वर्क नहीं करेगा। नाउ सेकंड फ्लिप फ्लॉप इज डिपेंडेंट अपॉन फर्स्ट एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, सेकंड वन, ठीक है। अब वंस अगेन देखिए इक्वेशन, टाइम डिले इज इक्वल टू व्हाट, एन नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया, बाकी सारी इक्वेशन वही है। अब एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब उस प्रीवियस वाले इक्वेशन के अंदर और इस वाले इक्वेशन में देखिए क्या है, यहां पर हमने एन को मल्टीप्लाई किया, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब क्या है कि एसिंक्रोनस में क्या होगा, जितने फ्लिप फ्लॉप हमारे बढ़ते जाएंगे, यहां पर एन क्या है, 3 है, अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 सेकंड था, इसका 4 था, इसका 6 था, सब लेना कौन सा वर्स्ट लेना है, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन में, एन 3 × 6, अब यहां पर 18 सेकंड आ जाएगा। प्रीवियस वाले में क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, और जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट का प्रोसेसिंग टाइम होगा वो ऐड करेंगे तो आप कॉमनली देख सकते हैं, आप लोग मैथ पढ़ भी रहे हैं, आपने प्रीवियसली पढ़ी होगी, आप लोग जानते हैं जब किसी कोई चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एंड रिजल्ट जो है वो नॉर्मली ज्यादा आता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे एसिंक्रोनस काउंटर के जो टाइम डिलेज हैं, एसिंक्रोनस काउंटर के जो टाइम डिलेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिंक्रोनस के, ठीक है। मैंने इस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, तो इसकी बात यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पीड वाइज अगर हम बात करते हैं स्पीड वाइज, तो स्पीड वाइज हमारे पास किन की ज्यादा स्पीड तेज होगी, सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड ज्यादा तेज होगी। अब जब भी काउंटर आपने डिजाइन करना है, जिस तरह आपको याद होगा हमने कॉम्बिनेशन सर्किट को डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन सर्किट को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ये बात की थी हमें कुछ स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ते हैं। यहां पर काउंटर को डिजाइन करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ स्टेप्स को अडॉप्ट करना है। सबसे पहला, जब भी आपको किसी सीक्वेंस को काउंट करने के लिए काउंटर डिजाइन करना होगा, पहला ये बात डिटरमिन करना है कि कितने उसके अंदर जो है हमारे फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे। सेकंड, कौन सा फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करना है, डी या टी, वो डिपेंड करेगा सिंक्रोनस के टाइप पर या एसिंक्रोनस के टाइप पर। थर्ड, आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को बनाना है उस सीक्वेंस को के लिए। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होती है कि मैं
बात करूं कि एक सर्कुलर डायग्राम है, अगली स्लाइड में आप देखेंगे भी कि मैं प्रेजेंटली कहां पर हूं, प्रीवियस मेरा क्या था, नेक्स्ट मेरा क्या था। अगर मैं इस चीज को एक डायग्रामेटिकल शेप दूं तो ये हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आ जाती है। फोर्थ नंबर पर ट्रुथ टेबल बनाना, फिफ्थ नंबर पर ट्रुथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना, सिक्स नंबर पर उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को के मैप या कर्नाफ मैप के जरिए रिड्यूस करना, ठीक है। सेवन नंबर के ऊपर जो हमारा लास्ट होता है, उस रिड्यूस इक्वेशन से हमने क्या बनाना है, हम लोगों ने काउंटर बनाना है। सो ये सात स्टेप हर काउंटर के लिए, चाहे वो असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, या अप डाउन काउंटर है, हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम बात करते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। मैंने 2 बिट के लिए बनाई, 3 बिट के लिए बनाई, आप 4 बिट के लिए भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। अब यहाँ पे देखिए कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एक्चुअली है क्या, मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है, मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या है, और मेरी पास्ट स्टेट क्या थी। मसलन आप 1 पे हैं, तो 1 प्रेजेंट है, प्रीवियस क्या है, 0 है, नेक्स्ट क्या होगी, 2। तो ऐसी डायग्राम जो मेरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में एक डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन दे, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन। सो 2 बिट का मतलब सिंगल बिट, ये सॉरी, ये आपके पास क्या है, आपके पास थी आपके नॉन बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पर ये 2 बिट है, 2 बिट का मतलब क्या है, हर नंबर को आप 2-2 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। एक्चुअली ये क्या है, ये अप है, 1, 2, 3। अगर हम 0, 3, 2, 1 एंड 0 पे जाएं तो उसका मतलब क्या, ये डाउन है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप 0 से स्टार्ट हुए, आपने घूम के दोबारा फिर आपने 0 पे ही आना है, जो मैंने कहा था कि स्टार्ट पे ही आना है आपने। इसी तरह जब हम बात करते हैं, 3 बिट की, तो 3 बिट के लिए क्या है कि 0 से 7 तक आप जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 0 से 7 है, 0 को इंक्लूड करना है, 0 से चले तो दोबारा 0 पे ही आना है आपने, ठीक है। तो काउंटिंग का ये रूल होता है, ठीक है, जब आपने नेक्स्ट काउंटिंग करना होती है, जब भी आप काउंटिंग करना होती है, दोबारा आप इनिशियली आते हैं। तो ये 2 के लिए, अगर आपने 4 के लिए बनाना होगा तो यहाँ 4 जीरोज आ जाएंगे और सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 15 तक हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि एप्लीकेशन काउंटर की कहां पर है, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स के अंदर, डिजिटल क्लॉक के अंदर, टाइम मेयरिंग के तौर पर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ऊपर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिजिटल ट्राइंगुलर वेव जनरेट, जैसे हम स्क्वेयर वेव जनरेट करते हैं, साइन वेव जनरेट करते हैं, इसी तरह ट्राइंगुलर वेव जनरेशन के अंदर ये तमाम की तमाम जो है इनकी एप्लीकेशंस इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट